पहले आर्थिक तंगी का झटका, फिर कश्मीर में धारा 370 का झटका और अब ब्लैकलिस्ट होने का झटका। ये वो झटका है जिससे पाकिस्तान शायद ही उभर पाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है। FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप APG अब पाकिस्तान को उसके मानकों पर खरा नहीं उतरने पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पाक एशिया पैसिफिक ग्रुप के 10 मानकों को पूरा करने में नाकाम साबित हुआ। APG की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान अपने कानूनी और वित्तीय प्रणालियों के लिए 40 मानकों में से 32 को पूरा करने में विफल रहा है। इसके अलावा टेरर फंडिंग के खिलाफ सुरक्षा उपायों के लिए 11 मापदंड में से 10 को पूरा करने में पाकिस्तान विफल साबित हुआ है। APG ने माना है कि इस्लामाबाद की ओर से कई मोर्चों पर खामियां हैं। साथ ही उसने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान की ओर से की जा रही कोशिशों में कई तरह की खामियां पाई गई है। पाकिस्तान की ओर से 50 पैमानों पर सुधार के दावों को लेकर कोई समर्थन नहीं मिल रहा। 9 देशों के इस क्षेत्रीय संगठन APG में पाकिस्तान 40 पैमानों में करीब 3 दर्जन में नाकाम रहा है। इसके अलावा 11 प्रभावकारी पैमानों पर भी पाकिस्तान 10 में फिसड्डी साबित हुआ है। अक्टूबर में FATF के पूर्ण सत्र में पाकिस्तान के मामले की अंतिम समीक्षा की जाएगी। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के दबाव के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF पाकिस्तान को जून 2018 से संदिग्ध सूची में डाल चुका है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का नतीजा रहा है, पाकिस्तान को उसके बुरे कर्मों का फल मिला है। स्पेशल डेस्क से विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट, नवतेज TV।